Assalamualaikum friends, welcome to my channel kitchenfood.com। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड इंडियन माठरी। इसके लिए हमें चाहिए होगा आटा, देन बेसन, सूजी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये हमने डाली है मसल कर अजवाइन। इसको मसल के डालनी है। और ये हमने सोडा डाला है, इसके अंदर सोडा लास्ट में डालेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बेक होगा तो फूलेगा। और ये हमने डाला है आटे में घी, घी भी डाल सकते हैं और जो है क्या कहते हैं हम तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है इस क्योंकि ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने। और फिर इसको डो की सूरत में हमें ये गूंद लेना है आटा। आटा गूंदने के बाद हम इसको थोड़ी देर रख देंगे। देखें हमने ये रोटी की शेप में कर लिया है और जो साइड है इसके हटा देंगे। और आप किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं, ये हमने इस तरीके की शेप दी है। इसके ऊपर ये कांटे से हम ऐसे कर देंगे, देन इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको हम बेक करने रख देंगे। ये देखें बेक्ड इंडियन माठरी तैयार है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लास्ट में कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।